इंडिया मुशायरा सिर्फ News75.in पर। आइए मुतवज्जा होते हैं आज के हालात की करवाटों की तरफ और मुलाकात करते हैं एक शायर से। मेरी मुराद है जनाब राशिद कमाल से। कहते नज़्म में अपना कलाम पेश करते हैं, अपने कलाम के जरिए सोए जहनों को जगाने का हुनर जानते हैं। मैं जनाब राशिद कमाल से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी दुआओं में तू असर दे दे या खुदा, या खुदा मेरी दुआओं में तू असर दे दे, मुझको सिद्दीक के जैसा कोई रहबर दे दे। या खुदा आज के हालात, पूरी दुनिया के हालात मेरे चार में से अगर मैं सच कहूं तो आखिरी सब तक एक एक शख्स की आवाज आनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि या खुदा मेरी दुआओं में तू असर दे दे, मुझको सिद्दीक के जैसा कोई रहबर दे दे। सर उठाने लगे दुनिया में जालिम दिल से, मुझको फारूक के ये फातह खाता दे दे। जानवर का है हमदर्द, अगर मुझे ये लगेगा कि आप मेरी आवाज के साथ आवाज नहीं मिला रहे तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। पढ़ता हूं यहां से कि हमदर्द जानवर का है इंसान का भी बन। नदीम भाई हमदर्द जानवर का है इंसान का भी बन, रहबर हर एक गांव का हमदर्द चाहिए। मौत हो जाती है साफ गोरखपुर में, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खामोश रहता है। मैं चार में से पढ़ता हूं, अगर मैं सच कहूं तो मेरी आवाज के साथ आवाज मिला देना कि हमदर्द जानवर है इंसान का भी बन, रहबर हर एक गांव का हमदर्द भी चाहिए। पूरी बहन के देश की रक्षा नहीं होती, सरकार चलाने के लिए मर्द चाहिए। जो कलेजे में उतर जाए वो सुंदर समझो। मेजोरिटी बताई जाती है हमसे, हमें हमारी अक्सरियत बताई जाती है कि हम 25 करोड़ है, वो 72 वो 313 का लश्कर मेरे चार में से अगर मैं सच कहूं तो मेरी आवाज के साथ आवाज मिला देना। मगर हमको न कमतर समझो, जो कलेजे में उतर जाए वो खंजर समझो। मगर हमको न कमतर समझो, जो कलेजे में उतर जाए वो खंजर समझो। अपने पुरखों से ये पूछो तो बताएंगे तुम्हें, ये मुसलमान है अब भील का लश्कर समझो। ये मुसलमान है अब भील का लश्कर समझो। मुसलमान वफादार है तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार ना होता तो वीर अब्दुल हमीद इस मुल्क पर शहीद ना हुए होते। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार ना होता तो अशफाकुल्लाह इस मुल्क पर शहीद ना हुए होते। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार ना होता तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर इंग्लैंड ना गए होते, हिंदुस्तान की आजादी का परवाना लेंगे। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार ना होता तो मौलाना अबुल कलाम आजाद पाकिस्तान
नेहरू के साथ कांधे से कांधा मिला करना चाहते। अगर मुसलमान इस पूरी का वफादार तो होता तो लड़ाई पाने न पाते, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान बोलेगा हिंदी कैसे वो रोए रोती है, रोए हमारी यहाँ एक जबान है राह का पत्थर, मैं चार मुझसे पढ़ता हूँ यहाँ से तरक्की हिंदी कैसे वो रोए और भी है, यहाँ जो भूस खाते हैं वो थोड़े और भी है। अदालत के हलफनामे से जारी झलकती है, क्या कहना चाहते हैं